यहाँ झाड़ू शॉपिंग चल रही है, आप देख सकते हो। काम देख लो, चॉकलेट जो वो पेस्ट्रीज थी ना वो इन्होंने पीछे डालने में रख दिए। कहाँ है पेस्ट्रीज अब? दुकान मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, उसने तुम्हारे सामने सामान रखा। मुझे नहीं पता, ट्राइडेंट ली थी जो मर्जी लिया था तुम्हारे। ये पेस्ट्री? हाँ जी यही है। ये कैसे रखी है भाई पेस्ट्री? ये तो ऐसे लग रहा है दालों का शॉप पर हो। अभी ना मैंने ये लिया डोरिटोज, ये इंडिया और यूएसए दोनों से आता है। और कैन यू इमेजिन, ये जो 10 रुपए का हम इतने में लेज मिल जाते हैं, ये 400 रुपए का है। ओह माय गॉड, मैंने ले लिया ट्राई करने के लिए। 400 रुपया एक मजदूर की तनख्वाह होती है रोज की। तो यार रात को आया था तूफ़ान और अभी आसमान जो है सारा क्लियर है, आप लोग देख सकते हो। और कल तूफान आने की वजह से यहाँ ये जो है ना कि कोई मेरा ख्याल लाठी जो डंडी शंडी कोई, ये दरख्त की शाख जो है ना ये गिर गई हुई है। आप चेक कर सकते हो हमारे गार्डन के अंदर कितनी बड़ी जो है ना वो शाख है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि ना आहिस्ता आहिस्ता भाई जो है ना अपनी ब्लॉगिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहा है। और साथ में हमारे पास अभी आ गया है हमारा न्यू माइक। पहले मैं दूसरा माइक यूज़ करता था, अभी मेरे पास आ गया है ये वाला बोया का न्यू माइक। तो इससे हमारी जो वॉइस क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इससे जो है ना पीछे जो आवाज़ें आ रही होती हैं उसको भी काफ़ी कवरेज दे देता है। और उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अभी मेरा जो है ना प्रोफेशनल ब्लॉगिंग कैमरा भी इंशाल्लाह अभी आगे लेना है मैंने, वो भी जल्दी आ जाएगा, उसमें भी इतना टाइम नहीं। और दूसरा मैंने आपको और क्या बताना था, हाँ मैं एक सोच रहा हूँ एक कोर्स भी करूँ जिससे मुझे सिनेमैटिक शॉट्स और दूसरा व्लॉग्स वगैरह बनाने में और आसानी होगी और अच्छे व्लॉग्स आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी को। तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है चैनल को। आई वॉन्ट टू रीच 1 million लाइक्स, सो प्लीज ओके थैंक यू। अच्छा यूं मैं ऐसे गार्डन में फिर रहा था तो मेरी अचानक से नज़र पड़ी है अपने पपाया और फिग दोनों के पौधों के ऊपर ना। तो माशाल्लाह ये देखो भाई पपाया का पौधा भी जो है ना, पहले मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया था, हाँ जब छोटा सा था तब ये छोटा सा बिल्कुल था। अब देखो माशाल्लाह अंदर पपाया भी उग रहे हैं और उसके अलावा नए पत्ते उग रहे हैं, ये आप देख सकते हो ये पपाया उग रहा है माशाल्लाह। और उसके अलावा ये पौधा जो है ना वो अब यहाँ तक आ गया माशाल्लाह, इस तरह सारी कवरेज देगा। और ऊंचा, अच्छा ये ऊंचा ज़्यादा नहीं होगा, वैसे पपाया का पौधा ज़्यादा ऊंचा होता है पर ये ज़रा छोटा होगा ऊंचा, लेकिन ये जब छोटा होगा ये तब भी फ्रूट देगा क्योंकि जितने भी ये प्लांट्स लगे हैं सारे हाइब्रिड हैं। अच्छा हमको सिखा रहा है। और ये क्या हुआ है, फिग लगी हुई थी और फिग आप लोग देख सकते हो किसी ने ऊपर से तोड़ी हुई है, क्या हुआ है भाई? अगर तोड़नी थी तो पूरी खा लेता जिसने भी किया ये काम, पता नहीं क्या यार लोग करते हैं। उसके अलावा ये ग्रीन ग्रीन अभी फिग्स और भी लगे हुए माशाल्लाह। अभी हमारा दो प्लांट्स जो है ना उन्होंने फ्रूट्स दे दिए हैं, एक ये है लेमन का जिसने फ्रूट दे दिए, दूसरा एक हमारा फिग का जिसने फ्रूट दे दिए। बाकी सारे जो है फ्रूट्स देने पे आए हुए हैं पर उन्होंने फ्रूट्स नहीं दिए। मामा कर रही हैं अभी घर को लॉक क्योंकि हम जा रहे हैं ग्रोसरी लेने। अच्छा यार अभी मैं बता दूं, जलाल सन से हमने पहले आज तक ग्रोसरी नहीं ली। मैंने कहा अच्छा अभी हमने ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ग्रोसरी नहीं करनी, एक नॉर्मल सी ग्रोसरी करेंगे। और इसके अंदर मैंने सोचा थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए, ज़रा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कुछ ऐसा हम कर लेते हैं, कोई कंपेरिजन वीडियो ना बना लें। चलो आज हम देखते हैं किसी नाम को, किसी मॉल के नाम को मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, ऐसा कर लेते हैं देख लेते हैं क्या जलाल सन बाकी मॉल से सस्ता है कि नहीं शॉपिंग के लिहाज से। तो आज हम ये चीज़ का कंपेरिजन करेंगे और आपको भी बताएंगे, पूरा ऑनेस्ट रिव्यू होगा, कोई पैसों वैसों वाली बात ही नहीं। चलो ये भी अच्छा है कि जब तक हम आएंगे तब तक लाइट भी जाके आ चुकी होगी क्योंकि आधे घंटे के लिए जी इन्होंने भी लोड शेडिंग पकड़ ली बहरिया वाला। और अगर गैस ना आई तो मेरी चार आई नहीं फिर। चलो बाजार से फिर कोई इंतजाम कर लेंगे, वरना अंकल फरीद तो आए नहीं। अंकल फरीद बेचारे हमें चाय अक्सर पिला देते हैं, जब जो है ना हमारी चाय अगर गैस चली जाए तो वो फिर हमें बेचारे चाय पिला देते हैं बना के। अच्छा वो मैं आपको आज का प्रोग्राम बता दूं जरा। मैंने व्लॉग का कुछ इस तरह किया, मैंने कहा आप तो यू आर अ हाउसवाइफ, आपको पता है मार्केट में क्या प्राइसेस हैं चीजों की, ये वो आप मंगवाती रहती हो ठीक है। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि यार जैसे कि अगर ये हुआ, ये तो सिंपल सा होगा कि जी आज हमने ग्रोसरी शॉपिंग की, इसका तो कोई इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं। मैं सोचा चलो आज देखते जलाल सन से पहली बार शॉपिंग एक्सपीरियंस है, वैसे बेकरी तो बहुत बार की है लेकिन शॉपिंग एक्सपीरियंस पहली बार है, देखते बाकी मॉल से क्या जलाल सन हमें बेनिफिट दे सकता है, सस्ता हो सकता है कि नहीं, क्या ख्याल है। चलो आज ये देखते हैं और फिर हम मामा से पूछेंगे आपको क्या लगता है कि क्या इधर सर्फ साबुन जितनी भी चीजें होती हैं इनकी प्राइस क्या हमें मिल रही है कि मतलब कि वर्थेड है कि नहीं। चलो आज ये चेक करते हैं जाके। अच्छा पहले इधर होता था अल्फते, अब उसकी जगह हो गई यहाँ जलाल सन्स और ये सारा इनका टॉयज वाला सेक्शन है, अंदर काफी बड़ा है, अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। और इसकी जो है ना नीचे बेसमेंट भी है। रॉयल मैंगो सिंदरी 258 रुपीज़, 260 रुपीज़ कह सकते हो।
अभी हम ले रहे हैं बिरयानी मसाला, फर्स्ट हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होगा बिरयानी मसाला हमारी पूरी ग्रोसरी का। अब किसी बदतमीज ने च्युइंगम फेंकी होगी नीचे, वो मेरे पाँव पे लग गई है, बल्कि उतर गई वो, यस खुद ही उतर गई है वो पड़ी हुई, मैंने उतारी है फिर लग गई है। मेरी तो किस्मत ही तलाओ, माय गॉड। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब तकलीफा डील करना होंगे। बिल्कुल सही, अचानक से यहाँ चली गई लाइट और अभी पता नहीं क्या होता है। अगेन लाइट आ चुकी है, जनरेटर शनरेटर चल चुल गए हैं शायद, हम चीनी की तलाश कर रहे हैं और शायद सिर्फ 3-4 सेकंड लगे होंगे लाइट का ना हमारी फिर से वापस आ गई है। यार यहाँ रामेन के काफ़ी सारे नए फ्लेवर्स मुझे नज़र आए हैं, तो चेक करते हैं। ये है कोई हॉट कार्ब फ्लेवर, लग तो मैक्सी है, और उसके अलावा एक हमारे पास ये फ्लेवर है हॉट चिकन फ्लेवर, ये आप चेक कर सकते हो। अब देखते हैं कोई हमने कौन सा लिया था पहले, रामेन हॉट चिकन, हाँ हॉट चिकन वाला, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था, मुझे बात भूल जाती है। अच्छा ये जो है ना हमने ये लिया था हॉट चिकन वाला, अभी जो है ना और भी बहुत सारे आ गए हैं, तो चेक करते हैं कि क्या हमने अभी इनको लेना है कि नहीं। ये बेकाबू हो गया सिर्फ ये जगह देख के ना, मुझे समझ नहीं आती क्या है यार। अभी ना मैंने ये लिया डोरिटोज, ये इंडिया और USA दोनों से आता है, और कैन यू इमेजिन ये जो 10 रुपये का हम इतने में लेज मिल जाते हैं, ये 400 रुपये का है। ओह माय गॉड, मैंने ले लिया ट्राई करने के लिए, मेरी 400 रुपया एक मजदूर की तनख्वाह होती है रोज की। अच्छा अभी मैंने बिस्किट्स का बड़े वाला पैक ले लिया, क्योंकि छोटे वाला जो है ना भाई वो काम खराब हो जाता है। अच्छा जलाल सन्स का ये है सारा मीट सेक्शन। अच्छा बचपन में मुझे इतना मज़ा आता था मीट सेक्शन में, इतना ज़्यादा मज़ा आता था पता नहीं क्यों। अभी जो है ना ये है सारा जलाल सन्स का मीट सेक्शन, मटन बीफ चिकन सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कहती हूँ कि बचपन में हर कोई पागल है। हाँ बचपन में ना हर बंदे को पागल बनाया जाता है और पागल बनता है इंसान। एक्चुअली मेरा मामा को तो मुझ पर यकीन है, क्योंकि मामा की मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ ना, मामा मुझे कहती थी, मामा कहती थी वैसे काफ़ी अच्छी ना मीरा के हवाले कर देना, मुझे पता है बाकी उन्हें खा जाने। ओह माय गॉड, अच्छा मैं शेयर कर करता हूँ। नहीं तुम भी। अच्छा मुझे मुझे और मामा ने मुझे और मीरा को ऐसी चीज़ें पकड़ा देती हैं, क्योंकि इस बंदे का ना कोई भरोसा नहीं। अच्छा हमने जो है ना 1 kg लेग पीस ले लिए हैं, और इसके बनेंगे मज़ेदार किस्म के कोरियन फ्राइड लेग पीस विद सॉस, जो मैं आपका भाई खुद बना के आप लोगों को बताएगा कि और हाँ कैसे बनते। ये वीट बिस्किट मीरा को इंतहाई पसंद है ना, इसलिए मेरे छोटे पापा वाले खाते थे बच्चों ने कहते थे आए ना इतने गंदे बिस्किट है, लेकिन उस दिन स्टोर में एक मिला, मैं कहा मम्मी क्या मांगी थी बिस्किट है, मैंने खाए इतने मुझे पसंद आ गए, मैंने कहा मैं लूँगी और मुझे मिल गया। तो जी मीरा को ये जो है ना वीटेबल बिस्किट ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये ई टेबल ही वी टेबल है। हमारे आ चुके हैं ड्रम स्टिक्स, आई मीन लेग पीस, ये आप देख सकते हो। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि कौन सा बॉडी स्प्रे लेना है, सारे पड़े हुए। अब इसमें से मुझे एक एक करके चेक करता हूँ, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा चलो तो ठीक है, नहीं तो मुझे एक एक करके चेक करना पड़ता है, जो पसंद आता है फिर मैं वो लेके रख लेता हूँ। यहाँ झाड़ू शॉपिंग चल रही है आप देख सकते हो। हमारा सामान छोटी ट्रॉली से बड़ी ट्रॉली में शिफ्ट किया जा रहा है, भाई जो है ना वो सामान सारा इस ट्रॉली से उस ट्रॉली में डाल रहे हैं। अभी हमने लिया जी पेस्ट्रीज यहाँ से जलाल सन्स की, आज हम आपको बेकरी का भी रिव्यू, वैसे मैंने काफ़ी बार यहाँ से ट्राई किया ये वाली पेस्ट्री दूसरी भी, लेकिन मैंने कभी रिव्यू नहीं दिया, चलो आज आपको इसका रिव्यू भी देता हूँ। तो यार ये YouTube चैनल है एजेंट गॉड्स वाइटी, ये मेरे दोस्त का चैनल है, तो आप यहाँ जाके इसको देख सकते हो। इसके ऊपर जो है आपको गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, उसके अलावा आप जाके वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो यार अगर मैं एज अ व्लॉगर देखूं तो जलाल सन्स के ऊपर मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वहाँ किसी ने यही नहीं कहा कि कैमरा बंद करें, ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली और वैसे भी फ्रेंडली स्टाफ था, बहुत अच्छा स्टाफ था इनका। तो दूसरा जो है वैसे भी सारे शॉपिंग के लिहाज से भी जलाल सन्स बेस्ट है, तो मैं तो प्रेफर करूँगा आप जा सकते हो। और दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। तो यार पसीने वसीने आ गए हैं, क्योंकि अभी गैस चले जाने 10 बजे, मैं भी इनके साथ थोड़ी हेल्प करवा रहा हूँ किचन में। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।